जय हिंद दोस्तों, आज हम 28 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टरों को किस राज्य में लगी आग को बुझाने में तैनात किया है? दोस्तों ये जो आग है मिजोरम के जंगलों में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स के दो हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। उन हेलीकॉप्टर का नाम है दोस्तों MI-17 हेलीकॉप्टर्स, और इन्होंने इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। इस राज्य का नाम है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम के सीएम का नाम है जोरम थांगा, गवर्नर का नाम है पीएस श्रीधरम पिल्लई, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मिजो, इंग्लिश और हिंदी। मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मणिपुर इन राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर्स भी मिजोरम को लगती है। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है मुरलेन और फुंगफुई यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं मिजोरम के बारे में और थोड़ा जानकारी आपको बताता हूँ मैं। ये मिजोरम नहीं, मिजोरम ही अकेला एक ऐसा राज्य है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। खेल को उद्योग को दर्जा देने वाला पहला राज्य अगर कौन सा है वो तो है मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों जोराम फूड पार्क, कौन सा? जोराम फूड पार्क ये मिजोरम में स्थित है। और थेंजोल गोल्फ पार्क, थेंजोल, ये जो थेंजोल जो मैं लिख रहा हूँ इनको आप ठीक से ध्यान दो। थेंजोल गोल्फ पार्क ये मिजोरम में स्थित है। इसको याद रखने के लिए एक जोल ध्यान रखो। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, आइजोल से ध्यान रखो। थेंजोल गोल्फ पार्क कहाँ पर स्थित है? आइजोल के अंदर। और मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी मिजोरम के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, पंडित राजन मिश्रा का 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? पंडित राजन मिश्रा, इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनको 2007 में पद्मश्री नहीं दोस्तों, पद्म भूषण, 2007 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तानसेन, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये किस घराने से संबंधित है? तो ये बनारस घराने से संबंधित है। और दोस्तों इस साल का तानसेन सम्मान 2020 ये किसे दिया गया है? इनका नाम है दोस्तों पंडित सतीश व्यास, इसको भी ध्यान रखो। इनका नाम है पंडित सतीश व्यास, पंडित सतीश व्यास, इनको 2020 का तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया गया है। जो ये पंडित राजन मिश्रा, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। एक ख्याल शैली के प्रसिद्ध गायक थे, ख्याल शैली के प्रसिद्ध गायक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टोगो के बाद वो कौन सा देश है जो ट्रोकोमा को समाप्त करने वाला अफ्रीका का दूसरा देश बना है? दोस्तों ये जो ट्रोकोमा है, ये ट्रोकोमा की बीमारी आँख से संबंधित है। पानी पानी की कमी या फिर स्वच्छता का अभाव, इन कारणों से ये ट्रेकोमा बीमारी होती है और इससे अंधेपन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों टोगो के बाद वो कौन सा अफ्रीकी देश है जो ट्रोकोमा को समाप्त करने वाला अफ्रीका का दूसरा देश बना है? तो उस देश का नाम है दोस्तों गाम्बिया। गाम्बिया की कैपिटल है बांजुल। बांजुल जो है
गाम्बिया की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है गाम्बियन डलासी, गाम्बियन डलासी वो गाम्बिया की कैपिटल है दोस्तों। आगे इससे संबंधित है रतुंदी, रतुंदी रोग का संबंध किस विटामिन की कमी से होता है? रतुंदी विटामिन का संबंध तो ये इसका आंसर होगा विटामिन ए। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन महारथी है जिसने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो दोस्तों बार्सिलोना ओपन खिताब जीतने वाले व्यक्ति हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन से संबंध रखते हैं, ये स्पेन के हैं और इन्होंने बार्सिलोना ओपन खिताब कितनी बार जीता है? 12वीं बार जीता है। दोस्तों स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यह की करेंसी है दोस्तों यूरो, करेंसी यह की यूरो। ये जो बार्सिलोना ओपन खिताब है ये टेनिस से संबंधित है और टेनिस से संबंधित है, आपको टेनिस से संबंधित और कुछ क्वेश्चन वो भी याद रखना जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का विजेता कौन रहा है? तो उसका नाम है दोस्तों पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक, उसका नाम है दोस्तों नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक। ये है दोस्तों सर्बिया के रहने वाले और यही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिलाओं में अगर किसने जीता है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उनका नाम है महिलाओं में नाओमी ओसाका, उनका नाम क्या है? नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन 2020, ये जो फ्रेंच ओपन 2020 ये हुआ था दोस्तों, इसका जो पुरुष विजेता है वो भी है राफेल नडाल, इसका जो पुरुष विजेता है उसका नाम है राफेल नडाल। ये तो आपको पता ही है, ये है स्पेन के। और महिला वर्ग में अगर होगा तो महिला वर्ग में है ईगा स्वाटेक, ईगा ईगा स्क्वाटेक, ईगा स्क्वाटेक जो है ये पोलैंड की है, ये है फ्रेंच ओपन की, फ्रेंच ओपन 2020 की महिला विजेता। और 2020 में विंबलडन ओपन जो है वो कैंसल हो गया था, विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन जो टेनिस है टेनिस टूर्नामेंट वो कैंसल हो गया था, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी विवाद से विश्वास योजना की समयावधि को कहाँ तक बढ़ाया गया है? तो इसकी समयावधि दोस्तों 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, भारत के किस संगठन ने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है? दोस्तों ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड है ये निकल धातु से बनी हुई प्लेट होती है, निकल धातु से बनी हुई ब्लेड है।
जो हेलीकॉप्टर में जो इंजन लगे रहते हैं, उन हेलीकॉप्टर में जो इंजन लगे होते हैं, वो अत्यधिक उनका तापमान बढ़ जाता है। तो वो तापमान को कम करने के लिए ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक जो विकसित हो गई है, इसका उसमें फायदा होगा। तापमान को कम करने के लिए इस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को लगाया जाएगा। और ये जो विकसित की है, ये की है देश की DRDO ने, DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी है इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, किस देश की के RI नंगला को भारत का DSRV ढूंढने में मदद करेगा? दोस्तों ये जो भारत का DSRV ढूंढने में मदद करेगा, दोस्तों ये जो है नंगला एक पनडुब्बी है, नंगला जो है एक पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी है दोस्तों इंडोनेशिया की, ये पनडुब्बी है इंडोनेशिया की। और ये पनडुब्बी समुंदर में, ये पनडुब्बी अभी डूब गई है, तो इसको इंडिया का DSRV इसको ढूंढने में मदद करेगा। इंडोनेशिया की कैपिटल दोस्तों जकार्ता, और इसका जो करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, इसकी जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के साथ में इंडिया की जो मिलिट्री है दो एक्सरसाइज करती दोस्तों, एक है गरुड़ शक्ति और दूसरी है दोस्तों समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति। ये दो दोस्तों एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज आप याद रखना, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। ये जो इंडियन मिलिट्री है ये इंडोनेशिया के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। अगेन क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में भारत का पहला सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है? दोस्तों ये जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना ये की गई है उत्तराखंड के अंदर। एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर होता क्या है? अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से हमें जो भी संदेश मिलता है वो हमें आंकड़ों के द्वारा मिलता है, और उन्हीं आंकड़ों को हमारी भाषा में बदलने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है, और ये स्थापना उत्तराखंड में की गई है। उत्तराखंड में हल्द्वानी जगह है, वहाँ पर ये स्थापना की गई है। और दोस्तों उत्तराखंड के अभी अभी CM चेंज हो गए, इनका नाम है तीरथ सिंह रावत। क्या नाम है इनका? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और एक चीज ध्यान रखना, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है दोस्तों वह है गैरसैंण। कौन सी है? गैरसैंण।
ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल। हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र ये भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। कौन सा? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र, हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र ये भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से स्थापित किया गया है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये भी दोस्तों उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के रानी खेत में स्थापित किया गया है। हीलिंग का मतलब होता है ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर जो है ये सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है, ये तो आपको पता लग गया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री दोस्तों तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट, सिप्री द्वारा 25 अप्रैल 2021 को जारी सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर पे दोस्तों अमेरिका, सेकंड नंबर पे दोस्तों चीन, तीसरे नंबर पे दोस्तों भारत। तो भारत का इसमें नंबर कौन सा आ गया? तीसरा। सैन्य खर्च करने वाला जो देश है उसमें भारत का कौन सा नंबर दोस्तों? तीसरा नंबर है। और अभी आज का आखिरी क्वेश्चंस, प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल विश्व टीकाकरण दिवस जो है हर साल अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह मनाया जाता है। तो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह मनाया जाता है। तो ये इस साल कब मनाया इसको? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 को मनाया गया। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये करंट अफेयर समझ में आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर पक्का करें। जय हिंद, जय भारत।